हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल CNCVMC टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको G01 के साथ में चैम्फर और कॉर्नर राउंडिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि G01 जब हम लीनियर कटिंग कर रहे हैं और उसके साथ में हमको चैम्फर देना है कहीं पे, तो कैसे देते हैं। आप देख रहे होंगे, आपको ड्राइंग दिखाई दे रही है। इस ड्राइंग में जो है, सबसे पहले जो डायमीटर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 35 mm का डायमीटर है, लेकिन डायमीटर से पहले यहाँ पे चैम्फर लगा हुआ है एक, ये ठीक है। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं दे रखी है, देख रहे होंगे आप यहाँ पे एक्स में, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, वैल्यू नहीं है। यहाँ पे की जो वैल्यू है 35 है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होनी चाहिए, वो नहीं दिया है। इसको क्या दे रखा, चैम्फर 2 × 45 डिग्री दे रखा, डिग्री में दे रखा। चैम्फर वैसे भी कभी भी लगाना चाहिए तो 45 डिग्री का लगाना चाहिए। अगर सपोज करो नहीं था, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। यहाँ पे का एक अलग कोऑर्डिनेट होना चाहिए था, यहाँ का एक अलग कोऑर्डिनेट होना चाहिए। जैसे यहाँ का 35 पे है, तो यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि रेफरेंस पोजिशन हमारा टूल का ये है, हमने अपने टूल को एक्स और जेड 0 यहाँ पे किया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ ना कुछ होनी चाहिए थी, लेकिन ड्राइंग में नहीं दी है। ड्राइंग में क्या दिया है, चैम्फर दिया हुआ 2 × 45 डिग्री। उसके बाद हम जेड में अंदर चलते हैं, तो ये 40 mm लेंथ दे रखी है, ठीक है। 40 mm कहाँ तक दे रखी है, रेडियस दिख रहा है आपको दिया हुआ 4, ये 4 mm का रेडियस दिया। रेडियस के सेंटर तक हमारी डिस्टेंस कितनी है, 40 mm है। फिर यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, तो एक लेंथ और दे रखी है ये वाली, ये 12 mm है। कहाँ पे तक जा रही है, 55, ठीक है, एक्स में 55 तक जा रही है। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, यहाँ भी हमने चैम्फर दे दिया है इन्होंने जो है, ठीक है। यहाँ से इस डिस्टेंस से और यहाँ तक की डिस्टेंस 24 mm दे दी है, लेकिन यहाँ पे भी चैम्फर है, तो ये चैम्फर क्या है, 2 × 45 डिग्री है, ठीक है। तो दोस्तों, ये कैसे रीड होता है, जब भी हमको चैम्फर देना होता है 2 × 45 डिग्री अगर ड्राइंग में दिया हुआ है, तो हमने सबसे पहले अपने टूल को यहाँ पे अगर एक्स और जेड दोनों यहाँ पे रेफरेंस किया है, तो यहाँ से जब पहला जो कमांड चलेगी, तो वो कितनी चलेगी, 45 डिग्री का। ऑटोमेटिकली मशीन कैलकुलेट करती है, ये वाला एंगल 45 डिग्री का ऑटोमेटिकली यहाँ से ऊपर जाएगा टूल, इतना तक ऊपर जाएगा कि ये वाली लाइन से और यहाँ इसके बीच में एंगल 45 डिग्री का बने, और ये दो जो दिया हुआ 2 mm जेड में अंदर की ओर स्पिंडल की तरफ मूव करता है टूल। चैम्फर जो होगा अंदर की ओर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो जेड 0 ये है, तो जेड यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 2 mm, ये दो दे जो दे रखा है, ये जेड की डिस्टेंस हो जाती है, और डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री हो जाता है चैम्फर, ठीक है। तो इसको मैं प्रोग्रामिंग सीक्वेंस आपको बताता हूँ, फिर मशीन पे भी बताऊंगा इसको रन करके, ठीक है। तो सबसे पहले को हमको N1 लिखना होता है, वैसे तो हर लाइन के लिए एक ब्लॉक लिख सकते हो आप, लेकिन मैं पूरे छोटा प्रोग्राम है तो एक ही हम ब्लॉक डाल सकते हैं, ठीक है। तो N1 लिखा, टूल कॉल करते हैं हम लोग सबसे पहले, T0101 जो भी टूल है आपका, टेरेट में जो भी लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, ऑफसेट 4 लिया हुआ है, जो भी लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर टूल 1 लिया हुआ है, पहला ऑफसेट है उसका, ठीक है। उसके बाद में ये कमांड, जब भी हम प्रोग्राम कोई भी लिखते हैं नया, तो ये कमांड हमको लिखनी ही लिखनी होती है, ठीक है, कॉलिंग करनी होती है। G97 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए ये हमको कॉल करना है, क्योंकि हमने जो भी डायमेंशन हम रीड करेंगे, ठीक है, जो भी मेजरमेंट हमारी है, इस रेफरेंस पोजिशन से मेजर करेगी, ठीक है। क्योंकि ये 40 है, अगर जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक काटते हैं तो 52 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक काटते हैं तो कुछ और हो जाएगी, तो रीड जो करेगी इस डिस्टेंस से करेगी, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट यही होगा, मशीन यहाँ से कैलकुलेट करेगी पूरी डिस्टेंस को, ठीक है। तो G90 इसलिए दिया जाता है कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए, G97 हमारा जो है कॉन्स्टेंट RPM के लिए है, शुरू से लेकर के आखिरी तक हमारा RPM एक जैसा रहेगा, कहीं पे भी घटेगा और बढ़ेगा नहीं, चाहे वहाँ पर डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, हमारा शुरू से लेकर आखिरी तक RPM 2500 ही रहेगा। स्पिंडल की स्पीड जो हमने 2500 दी है, 2500 पे ही चलेगा। फीट पर मिनट, G94 हमारा फीट पर मिनट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फीट जो हमारी होगी पर मिनट के हिसाब से होगी, कि एक मिनट में टूल हमारा स्पिंडल की तरफ रेफरेंस पोजीशन से कितना मूव किया, ठीक है। तो ये mm में है, ठीक है। M03 हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, स्पिंडल जो हमारा घूमेगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि हमारी टरेट ऊपर से माउंट हो रखी है, तो ऊपर से हमारा टूल नीचे की ओर आ रहा है, तो हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा। M08 कूलेंट ऑन करने के लिए है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी ये लाइन, ठीक है। इसके बाद में G0, अब रैपिड कमांड हमारी यहाँ से शुरू होती है, रैपिड कमांड
कि रैपिड कमांड में हमारा क्या है जी जीरो में एक्स जीरो और जेड थ्री, एक्स जीरो तो यहाँ पे था ठीक है, लेकिन जेड में हमने थोड़ा सा बाहर खड़ा किया टूल को, जेड में 3 mm की डिस्टेंस पर खड़ा किया ठीक है। जब रैपिड कमांड में आया, रैपिड में क्या होता है जी जीरो को जब हम यूज़ करते हैं तो टूल हमारा कहीं भी टच नहीं करता, पार्ट को कहीं भी हिट नहीं करता है ठीक है, केवल एक ट्रेवल टाइम घटाने के लिए हम लोग रैपिडली उसको ले आते हैं ठीक है, साइकिल टाइम भी घट जाता है उससे। उसके बाद जी जीरो वन कमांड हमारे लीनियर कमांड यूज़ होती है, लीनियर इंटरपोलेशन के लिए है। जेड जीरो पे अब हमारे देखो जेड 3 पे खड़ा था, 3 mm पे, हमने जेड को 0 पे ले आए हैं, यहाँ पे ले आए हैं, और फीड क्या दे दी 0.2 की फीड दे रखी है, 200 μ की फीड दे रखी है ठीक है। फीड देने के बाद यहाँ पे तक आ गए, इस फीड पे यही फीड हमारी बाई डिफॉल्ट आगे तक काम करती रहेगी अब जब तक हम फीड चेंज नहीं करते हैं ठीक है। एक्स में 35 C2, अब देखिए एक्स में 35 यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस एक्स में 35 है, ये डाया 35 है, और C2 के यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब जेड, जेड में कितना जाना अंदर 2 mm जाना है, तो जैसे ही हम C2 देंगे तो ये 45 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिकली मशीन ले लेती है, हमको केवल एक्स में 35 जो डाया है जिस डाया तक जाना है वो डाया डालना है और C2 डाल देना। C2 से क्या मतलब होता है कि जेड में 2 mm अंदर जाना है और 45 डिग्री का एंगल बनाना है, C2 का मतलब ये होता है, ये चैम्फर हो गया हमारा ठीक है। उसके बाद में हम जेड में चलते हैं, ये 40 देख रहे होंगे आप, रेडियस के सेंटर तक हमारी 40 mm है, तो जेड माइनस 40 में गई हम। G1 कमांड में यहाँ पे आप G1 लिख सकते हो इसके आगे से, क्योंकि हम मैंने बताया बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट जो कमांड हमने दे रखी है जी कोड यूज़ किया वही कोड, जब तक अगला कोड अगला चेंज नहीं करते तब तक वही कोड चलता रहेगा, तो G1 में ही चल रहा है, लीनियर कटिंग करते हुए जा रहा है, जेड में माइनस 40 पे गया, रेडियस 4 है, तो देख रहे होंगे आप सेंटर तक इसकी डायमेंशन कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक है 40 mm, तो 40 mm आने से 2 mm पहले ही वहाँ से रेडियस कैलकुलेट मशीन कर लेती है, तो 4 mm का रेडियस है क्योंकि ये, तो ये 2 mm पहले से ही कैलकुलेट कर लेगी, तो जब भी हमने देना है वो डिस्टेंस देकर डिस्टेंस के साथ में जो रेडियस दे रखा है वो रेडियस देनी जेड के साथ में ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं एक्स में 55 पे, यहाँ से अब देखिए सीधी चली मशीन जो है ये भी जी वन में चलेगा, सीधा चला एक्स में 55 तक यहाँ पे तक आ गया है, जेड में 52 क्योंकि 40 ये था 12 ये था यहाँ पे तक इस पॉइंट तक आ गया ठीक है, और फीड हमने यहाँ पे घटा लिए 0.1 की दे दी, जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं जो है ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है ठीक है। 2500 के RPM पे कम से कम 0.4-0.5 तक की फीड आप दे सकते हो जो है। उसके बाद में अब यहाँ से हमको कहाँ चलना है देख रहे होंगे आप, ये हमारी 75 है ठीक है, एक्स में 75 पे जाना है, लेकिन चैम्फर कितना है, चैम्फर देखिए यहाँ पे भी 45 डिग्री का है, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करेगा 2 mm अंदर चलेगा, तो अगली कमांड क्या होगी हमारी एक्स में 75 ठीक है, एक्स में 75 C2 ठीक है, हम यहाँ पे एंगल नहीं लिखते हैं बार बार, चैम्फर दिया हुआ तो चैम्फर ही लिखना है, C2 लिखना है केवल, C2 से क्या होगा जेड में 2 mm अंदर घुसेगा और 45 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिकली बनाएगा। उसके बाद में जेड में -74 76, ये सारा दिन जोड़ लीजिए 24 + 12 + 40 76 में यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट पे आ गया हमारा। इस पॉइंट पे आने के बाद में हमने अपना स्पिंडल स्टॉप कर देना है, G0 रैपिड कमांड से हमने क्या करना है एक्स में 100 और जेड में 50 पे आपने किसी पोजिशन पर खड़ा कर दिया है ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि कॉर्नर पे आपको रेडियस कैसे देना है और चैम्फर कॉर्नर पे कैसे लगाना है जो है ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको मशीन पे दिखाता हूँ चला करके, तो मशीन पे आपको दिखेगा कि ये प्रोग्राम सेम ऐसा बनता है या नहीं बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पार्ट मैंने लिया हुआ है और एक BNMG का टूल लिया हुआ है, टूल के ऑफसेट हमने जो है यहाँ पे एक्स और जेड हमने 0-0 कर लिए हैं यहाँ पे जो है ठीक है, एक्स और जेड हमने टूल के ऑफसेट एक्स और जेड यहाँ पे 0-0 कर सकते हैं आप, अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक्स और जेड में अपने टूल के ऑफसेट लेता हूँ तो ऑफसेट में जाते हैं हम ठीक है सिंपली, और एक्स में क्योंकि यहाँ पे एक्स कितना है 0 है, अगर मैं यहाँ लेता तो मेरे को डायमीटर डालना पड़ता ठीक है, जो पार्ट का डायमीटर है वो डायमीटर डालना पड़ता, लेकिन मैंने सेंटर में लेता हूँ तो एक्स 0 लिखते हैं। अगर डायमीटर यहाँ पे लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं रैपिड पोजिशन वगैरह जैसे ठीक है, यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे क्या है मेरा डायमेंशन है, मैंने पार्ट कितने का लिया है, मैंने पार्ट अब हमको पार्ट की मेजरमेंट पता होनी चाहिए, 120 mm की लेंथ है और 78 की इसकी विड्थ है जो है, जो इसका डाया है 78 mm है, तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे एक्स में एक्स 78.0 ये लिख देना है और ऑपरेटर में क्लिक करना, ये आपको दिख रहा होगा ऑपरेटर, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे मेजर लिखा हुआ, मेजर के नीचे सॉफ्ट की है, सॉफ्ट की को दबा देना है तो जो रीडिंग होगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी ठीक है। इसी तरह से जेड में
आपने जेड जीरो कर देना है, जेड 0.0 और मेजर कर देना, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट का रेडियस है, रेडियस आप दे सकते हो इंसर्ट का, अगर आप रफिंग कर रहे हैं तो 0.8 की रेडियस है, 1.2 की रेडियस है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 0.8 की रेडियस, आप इसको 1.2 भी कर सकते हैं, ठीक है। 1.2 की रेडियस है, आप रफिंग कट रफ कट लगा रहे हैं तो 1.2 का रेडियस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0.4 का रेडियस है ड्राइंग में, तो हम कितने की लेंगे, 0.4 की रेडियस लेंगे, ठीक है। 0.4 का इंसर्ट ले लिया हमने इनपुट, ठीक है, क्योंकि 1.2 का लेंगे तो 0.4 का रेडियस नहीं बनाएगा वो, ठीक है। 0.4 का रेडियस ले लिया। टिप ओरिएंटेशन में हम क्या करेंगे, तीन नंबर टूल मैंने बताया था, अगर इस तरह से यहाँ से अटैक कर रहा है, अगर यहाँ से अटैक कर रहा है इस कॉर्नर से ऐसे, तो मैं दो देता हूँ, अगर इस कॉर्नर से यहाँ से अटैक करता है तो एक देता हूँ, और ऊपर से यहाँ से कर रहा है तो तीन नंबर देता है, तो हमने यहाँ पे तीन नंबर दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब प्रोग्राम में चलते हैं, प्रोग्राम हमने वो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है, छोटा सा प्रोग्राम है जो मैंने अब अभी आपको दिखाया जो है ड्रॉइंग के साथ में, ठीक है। हम यहाँ पर टूल को रेफरेंस कर लेते हैं, जेड में हमने टूल को रेफरेंस कर लिया, ठीक है, जा चुका है। अब आपको मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा, ये पार्ट है, ठीक है। हम इसको ऑटो मोड में कर देते हैं, मशीन को रिसेट कर देते हैं, और इसको दिखाता हूँ मैं आपको ब्लॉक डिलीट मोड में, ठीक है। कोऑर्डिनेट आप देखते जाइए, एक्स और जेड में मूव हो रही मशीन, एक्स में 0 और जेड में 3 mm पे खड़ी हो जाएगी मशीन, देख रहे होंगे आप यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस है, बाहर खड़ा है टूल जो है, देख रहे होंगे, ठीक है, ये 3 mm बाहर खड़ा हो रखा है टूल जो है पार्ट से। उसके बाद में G01 Z0 और 0.2 की फीड से चिपक जाएगा, देखिए ये आ गया Z0 पे आ गया। उसके बाद में एक्स में 35, सबसे ऊपर जो डाया था वो डाया पे जाना है, पहला डाया था एक्स में 35 और C2 चैम्फर डालेगा जेड में -2 जाएगा, ये देखिए 45 डिग्री का ऑटोमेटिकली एंगल बनाएगा और जेड में -2 mm जाएगा, ये चला गया, खड़ा हो गया, जेड में -40 जाएगा, रेडियस 4 का रेडियस बनाएगा, यहाँ पे रेडियस काट दिया आप देख रहे होंगे, क्योंकि 40 mm थी लेकिन 2 mm पहले से रेडियस बनाता, और देखिए 41.113 जो डायमेंशन ये चली है जेड में, जबकि है कितनी 40 है, तो मशीन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करती है कि कितना उसको चलना है रेडियस बना करके, ठीक है। उसके बाद में अगला देखिए, 55 था -52 था, वहाँ तक चला, ये ऊपर आ गया, यहाँ पे भी चैम्फर डाल दिया 45 डिग्री का, और ये जेड में मूव कर दिया 76 mm M05 से हमारा स्पिंडल स्टॉप हो गया, और G0 रैपिड कमांड से टूल हमारा वापस मूव कर गया, ठीक है दोस्तों। तो ये देख रहे होंगे आप, क्लियर विजन से पाथ भी आपको दिखाई दे रहा है टूल का, कैसे चला है टूल, किस तरह से चैम्फर डालते हैं और रेडियस देते हैं। तो आपको वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जो है, क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।